अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीशा मुजम्मिल व्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का एहसान है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज के व्लॉग का हमने जो स्टार्ट लिया है वो किचन से लिया है। पानी बॉयल हो रहा है नहाने का और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू की तहारी। तो उसके लिए मैं टमाटर काट रही थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ में थोड़ी बातें ही कर लेती हूँ। टमाटर काटती जाऊँगी और आपके साथ थोड़ी बातें कर लूँगी। तो आज मेरा दिल असल में सुबह में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ था क्योंकि सितारा यासीन की जो स्टोरी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। आप लोगों को मालूम तो होगा सितारा यासीन को तो आजकल माशाल्लाह से सभी जानते हैं कि उनके हस्बैंड ने सेकेंड मैरिज की है और 3 महीने पहले उन्होंने निकाह किया था और कल थी उनकी रुखसती, जो कि मैंने अपने इससे पहले की जो वीडियो है उसमें उसका सारा कुछ दिखाया हुआ लाइव स्ट्रीम उनकी बारात गई है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो का, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर किस तरह से मजबूती के साथ वो लड़की बैठी हुई है और वीडियो कॉल पे वो अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही है और उनके हस्बैंड दूल्हे के कपड़े पहने हुए हैं और गाड़ी के अंदर रवाना हो रहे हैं बारात लेके और ढोल ढमक्के हो रहे हैं और पटाखे बज रहे हैं, फायरिंग हो रही है। लेकिन इन सब चीज़ों का जो असर सितारा के दिल पे पड़ रहा है वो किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। मैं इतनी डिस्टर्ब रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे इस्लाम में दूसरी शादी जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बात ये आ जाती है कि जब तक कि आपको पूरी तरीके से परमिशन दिल से बीवी ना दे। उस लड़की का दिल बिल्कुल नहीं था कि इसके हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी करें, वो अलग ही नज़र आ रहा है जितनी ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुई हुई। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है अपने अपनों की वजह से कि जो बिल्कुल उनको कहते थे कि आप हमारी अपनी हो और सब कुछ, मगर लेकिन वही उस शादी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो इतनी तकलीफ़ में। कल उस लड़की ने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को वॉच करते हुए कसम से मैं आपको सच बता सकती हूँ कि मेरा दिल हिल गया, मेरे पैर कपकपा गए कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और हम लाइव देख रहे हैं। ये सब कुछ बहुत अजीब था, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई दूसरी शादी अगर कर भी रहा है तो सादगी से कर ले भाई। ज़रूरी है कि आप एक बीवी को तकलीफ़ देते हुए, जो कि आपके तीन तीन माशाल्लाह बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, तो तीन तीन माशाल्लाह से आपके बच्चे भी हैं, 13 साल हो गए आपकी शादी को और आप ढोल ढमक्के के साथ बारात लेके जा रहे हो, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। उस शख्स पे भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आखिर ये सब क्या कर रहे हैं। और रही बात कि वो जो आने वाली लड़की है, तो देखें वो आने वाली जो लड़की है वो तो खुद ही 13 साल से इस आदमी के नाम पे बैठी हुई थी, हम उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो तो बेचारी खुद प्यार की मारी थी क्योंकि वो इनकी पहली लवर थी। वो तो पता नहीं किस तरीके से ये सितारा से शादी हो गई इनकी, मुझे तो अजीब ही लगती है ये स्टोरी कि आखिर जब एक मोहब्बत थी आपकी पहले से तो आपको क्या ज़रूरत थी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने की। लेकिन खैर वही बात आती है ना कि जो चीज़ नसीब की होती है, नसीब का लिखा हुआ तो हम नहीं बदल सकते, जो नसीब में लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है। लेकिन बस ये सब बातें, और मकसद मैं रात में भी मैंने ना जाने कितनी दफ़ा इसकी लाइव स्ट्रीम लगाई है, देखी है, वॉच करती रही हूँ, फिर दिल हुआ कि क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ में मैं शेयर करूँ। वैसे तो मुझे मालूम है कि इतनी ज़्यादा ये स्टोरी वायरल हो चुकी है कि आप लोग भी देख ही रहे होंगे, लेकिन मे बी कि कुछ व्यूज़ ऐसे आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मालूम ही नहीं होता है, तो क्यों ना हम इस स्टोरी को शेयर करें कि वो इस स्टोरी को दिखाना हमारा इसलिए फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उसे जितना हो सके आप सितारा को सपोर्ट करें। आप उसके चैनल पे जाइए, आप उसके चैनल पे जाके उसके लाइक्स करें, उसको अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, उसकी हौसला अफज़ाई होगी क्योंकि इस वक्त वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी है। अगर आप लोग साथ देंगे तो उसकी हौसला अफज़ाई होगी क्योंकि इस वक्त उसके पास सिर्फ जीने की जो एक उम्मीद बची है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है जो उसको मिल रही है ना, तो वो शायद थोड़ी सी हंसती हुई नज़र आ रही है। वरना आप लोगों को शायद पिछले दिनों एक किस्सा गुजरा है इंडिया में, जो आयशा ने ख़ुदकुशी करी थी
वो वाला हाल नज़र आएगा सितारा का भी। तो अगर आप लोग उसके चैनल पे जाते हैं तो प्लीज़ उसको अच्छे कमेंट्स करके उसको इतना ज़रूर बताएं कि आप लोग उसके साथ हैं, मैं भी उसके साथ हूँ, बेशक मैं उसके साथ हूँ। और देखें इतनी देर में हमने खाना भी पका लिया और बस हमारा जो है वो बस ब्लॉग का भी मैं एंड करने लगी हूँ। बस अल्लाह पाक उस लड़की को हिम्मत अता फरमाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर हो सके तो अच्छे कमेंट्स कर दें, ना हो सके तो कोई मसला नहीं है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको पॉसिबल लगे तो सितारा के चैनल पे भी जाइए और उसको सब्सक्राइब करें, उसको जितनी सपोर्ट मिल सकती है ना अच्छा उसको मिल जाए, क्योंकि इस वक्त वाकई में वो डिज़र्व करती है सपोर्ट की। उसका साथ इस वक्त कोई भी नहीं, उसके पेरेंट्स भी सऊदीया में होते हैं और उसके शौहर तो उसको स्टेशन पे वैसे ही छोड़ के चले गए थे, बेचारी की चप्पल टूटी हुई थी और वो स्टेशन से बाय बाय करते हुए चले गए। उसकी बेटी तड़प तड़प के रोती रही, लेकिन उस बंदे पे तो खैर कोई फ़र्क ही नहीं था। बल्कि खैर, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।